हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में डिस्कशन करा था, और आज इस लेक्चर पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो जैसे कि अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला लेक्चर देखा होगा रोलेज विज्ञान का, तो उसमें हम लोगों ने बड़े एक प्रिसाइज वे में, एक कंसाइज वे में, एक समराइज वे में हम लोगों ने ऑटोसोमल रिसेसिव को डिस्कस करा था। उसी तरीके से हम इस लेक्चर के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लाइकवाइज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट इज आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एंड यही वो दो वर्ड्स हैं जिससे हम लोगों को इजीली वे में पता चल जाएगा कि कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेट, कोई डिजीज एक ट्री के अंदर किस तरीके का पैटर्न फॉलो करने जा रही है। सो नाउ हियर ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो जैसे कि ऑटोसोमल का मतलब होता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोमल कहां से निकला? ऑटोसोम से। एंड ऑटोसोम्स आर 22 पेयर इन नंबर्स। तो ऑटोसोम्स का मतलब ये हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर ऑटोसोमल से हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि ऑटोसोमल मींस अगर कोई पेडिग्री ट्री हमारे पास है, सामने है, एग्जाम में है, तो उसमें अगर इजीली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मेल एंड फीमेल का नंबर डिफेक्टेड, मेल एंड फीमेल का नंबर सेम है, इक्वल है, दैट इज ऑटोसोम, दैट इज ऑटोसोम। तो ऑटोसोमल का मतलब ही ये होगा कि भाई अगर किसी पेडिग्री चार्ट के अंदर मेल एंड फीमेल नंबर ऑफ डिफेक्टेड सेम है, दैट मीन्स वो ऑटोसोमल को फॉलो करती है। नाउ डोमिनेंट को कैसे पहचानेंगे? डोमिनेंट को सिंपल से पहचानने का मतलब है, देखिए डोमिनेंट का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने मेंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा था कि जब वो सेल्फिंग कराते थे, कैपिटल इनटू दिस, सो यहां पर जो जीनोटाइप्स बन करके आते थे पी के प्लांट के, और फिनोटाइप्स उनके होते थे, वो मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने जा रहा हूं। सो यहां से जब क्रॉस होने के बाद जो गैमेट्स बनते थे वो कुछ इस तरीके के बनते थे। That is, first gamete is of both alleles are dominant. These two gametes contain one dominant allele, one recessive allele, and this third one combination of gamete will contain only recessive alleles. So, by looking these type of genotypes, we easily recognize that according to monohybrid cross of Mendel. यहाँ से हम लोगों को देखने से ये पता लग रहा है कि ये वाला plant जो होगा वो टॉल होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। यहां पर भी टॉल होगा, अब यहां टॉल क्यों होगा? यहां टॉल इसलिए होता था क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट एलील, और क्योंकि ये ए यहां पर रिसेसिव होता था तो इसका फिनोटाइप बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट एलील शो नहीं हो पाता था, तो ये दोनों भी हमारे टॉल आते थे। एंड दिस इज ड्वार्फ, ये ड्वार्फ इसलिए होता था क्योंकि यहां पर कोई भी दोनों में से डोमिनेंट एलील नहीं पाया जाता था। So, जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा, तो इस एग्जाम्पल को यहां समझने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि रोलीज विज्ञान के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितने अच्छे वे में, कितने इजीली वे में हम लोग को ये टॉपिक समझा सकते हैं। ओके, सो ऑटोसोमल मींस, पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट का, सो there are equal numbers of boys and girls. कैसे? affected in a pedigree chart. ऑटोसोमल डोमिनेंट को अगर कोई कैरेक्टर या ट्रेट फॉलो कर रहा होगा तो पहला पॉइंट नोटिस करने वाला है होगा कि इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स या मेल एंड फीमेल्स अफेक्टेड पाए जाएंगे उस पेडिग्री ट्री के अंदर। नाउ व्हाट दिस डोमिनेंट टेल्स अस, डोमिनेंट का मतलब होता है डजंट एस्केप जेनरेशन। जैसा कि हम लोगों ने ऑटोसोमल रिसेसिव में देखा था कि
अगर कोई कैरेक्टर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करता है तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो जो जनरेशन को स्किप करेगा वो जनरेशन को स्किप करेगा। मगर क्योंकि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट होने के नाते अगर किसी में एक एलील भी आ गया तो वो पर्सन whether it is male or female वो कैसा होगा, डिफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा। तो यानी कि ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ओनली दिस वन इज नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल। सो बिकॉज अफेक्टेड और डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटीज, चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऑटोसोमल डोमिनेंट को फॉलो करने वाला, इनहेरिट करने वाला जो कैरेक्टर होगा उसके स्किप, जनरेशन को स्किप करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर दो पेरेंट्स वेदर मेल एंड फीमेल और फीमेल एंड मेल के दो पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड हैं तो उनको जो प्रोजेनिज आएंगे वो अफेक्टेड आएंगे। दैट इज अन अफेक्टेड पेरेंट्स डजंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर भाई हम लोगों ने जो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके बीच में क्रॉस हुआ है, मेटिंग हुई है, अगर मान लो उनके बीच में क्रॉस हुआ और कोई एक एलील भी इनमें से अफेक्टेड या डिफेक्टेड होती, जिसमें से कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अफेक्ट होने का, ना इसके अफेक्ट या डिफेक्ट होने से इसके फिनोटाइप पर कोई फर्क पड़ रहा है, बिकॉज ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो बात होगी डोमिनेंट एलील की, ना कि रिसेसिव एलील की। और अगर यही डिफेक्टेड होगा तो ये पूरा का पूरा पर्सन जो होगा, मेल या फीमेल जो भी होगी, ये डिफेक्टेड हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? डिफेक्टेड हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स डजंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी इन एनी वे, नेवर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स को अफेक्टेड प्रोजेनी हो जाए। ओके, नाउ एक छोटा सा क्रॉस करके हम लोग देखेंगे कि सपोज इस क्रॉस को इजीली वे में समझने के लिए मैं डोमिनेंट एलील को अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, दैट इज रेड कलर एंड दिस वन इज स्मॉल। अगर मान लो दो पेरेंट्स के बीच में मीटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहा है, और उनमें से एक अफेक्टेड है जो कि हिट्रोजाइगस है, जो कि हिट्रोजाइगस है। सो अब हमें ये देखना है इजीली कि जहां जहां ये रेड कलर का एलील, डोमिनेंट एलील पास ऑन होता जाएगा, वो प्रोजेनी हमारे अफेक्टेड होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिमेंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहां क्या होता था, बोथ कैपिटल ए डॉट एंड इफ वन कैपिटल ए एंड सेकंड वन इज रिसेसिव ए देन आल्सो डॉट, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो वही कहानी होगी। अब इफ दीज आर पेरेंट्स, सो गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट फॉर्म होगी। सो अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, सो बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं, तो यहां पर दिस ए विल कम एंड यहां पर दिस ए एंड दिस ए। सो अब कॉम्बिनेशन जो होगा गैमेट का, सपोज this one and this one takes place, this is first gamete form, okay, second one is this one। तो इस क्रॉस से जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो छोटी सी चीज ये है, if cross is taken place between two parents from which one is affected and heterozygous and another one is normal, then half
हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी अफेक्टेड और डिफेक्टेड एंड अनदर वन इज नॉर्मल बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी डोमिनेंट एलील. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड. कॉन्सेप्ट इज अगर हिट्रोजाइगस पेरेंट को हम नॉर्मल पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस विल अफेक्टेड एंड अदर हाफ विल नॉर्मल. नाउ अगर हम इसी चीज को यहां अपने पॉइंट में लिखना चाहें, इफ मीटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हिट्रोजाइगस दैट इज अफेक्टेड एंड नॉर्मल वन, देन हाफ ऑफ द प्रोजेनी नॉर्मल एंड हाफ आर अफेक्टेड एंड हाफ आर अफेक्टेड. हाफ क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे. इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्रॉस करके देखेंगे कि भाई अगर हम लोग दो ऐसे पेरेंट्स को लेते हैं जिसमें कि दोनों पेरेंट्स जो होंगे हिट्रोजाइगस होंगे, दैट इज बोथ पेरेंट्स आर हिट्रोजाइगस, दैट इज दोनों पेरेंट अगर हिट्रोजाइगस हैं और दोनों एक एक डोमिनेंट एलील को कंटेन करते हैं, देन दे आर बोथ अफेक्टेड. ये दोनों क्या है? अफेक्टेड है. नाउ वही कहानी होगी गैमेट फॉर्मेशन वाली. कैपिटल ए कैपिटल ए, नाउ कैपिटल ए एंड दिस स्मॉल ए. नाउ फ्रॉम दिस साइड दिस ए एंड दिस कैपिटल ए एंड बोथ रिसेसिव. तो यहां हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो जो एलील रेड पेन से हम लोगों ने लिखे हुए हैं, सॉरी दिस वन, वो सारे के सारे डिफेक्टेड होंगे बिकॉज द ट्रेट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड डोमिनेंट होने के लिए सिंगल एलील का होना ही इनफ है. नाउ थिंग इज दीज आर affected and this one is normal. So next point is if both are heterozygous then 3/4 are affected and 1/4 normal. देखिए मैं फिर से आपको एक चीज समझाने चाहता हूं कि चाहता तो इजीली मैं आराम से इन सारे चारों पैटर्न्स के ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट एक्सेंट रिसेसिव और डोमिनेंट इनके आराम से डिफरेंसेस लिख करके और क्वेश्चन समझाना शुरू कर देता, मगर ऐसा नहीं है. मैं चाहता हूं कि चारों पैटर्न्स को आपको इजीली समराइज प्रिसाइज वे में पहले समझाऊं, उसके बाद फाइनली चारों के पॉइंट्स मेन उठा करके आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न को देख करके हम लोग ये अंदाजा लगाएं कि कौन से तरीके का पैटर्न, कौन से तरीके का ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव, एक्सलिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट वो ट्रेट या कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है या फॉलो कर रहा है. इस तरीके का ऑटोसोमल डोमिनेंट जो जनरली फॉलो करते हैं उसका एग्जाम्पल है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया. उसमें बेसिकली होता यह है कि डिफेक्टेड जीन सॉरी एलील आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 19 पर और सिर्फ एक एलील में डिफेक्ट आने की वजह से ही क्या होता है एलडीएल के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा संख्या में ज्यादा नंबर्स में फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया दैट इज कोलेस्ट्रोल की जो मात्रा होती है हमारे ब्लड में सेल में वो क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है. सो आई थिंक it will be very easy to understand you about autosomal dominant after this lecture. मैं फिर से बता दूं पूरी pedigree analysis को ढंग से समझने के लिए आपको हमारे चारों की चारों और पांचों जितने भी हम लोगों की इसके ऊपर videos बनेंगी whether it may be 4 or 5 वो सारी बड़े patients लिए आपको
देखना पड़ेगा। सो इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हमारा वही है ऑटोसोमल डोमिनेंट, अब हम करने जाएंगे एक्स लिंक रिसेसिव या एक्स लिंक डोमिनेंट। थैंक यू।